प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लैग मार्च, जयपुर के अलग अलग इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और एडिशनल कमिश्नर अजयपाल लांबा इस फ्लैग मार्च को लीड कर रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से निकल रहा है ये फ्लैग मार्च। 1000 से अधिक पुलिसकर्मी फ्लैग मार्च में मौजूद हैं, जहां चांदपोल बाजार से छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, उसके बाद सुभाष चौक, रामगढ़ मोड़, गलता गेट से एमआई रोड तक फ्लैग मार्च। बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और पुलिस के जवान ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं। पुलिस लाइन से शुरू हुआ फ्लैग मार्च कमिश्नरेट पर जाकर खत्म होगा। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए एवन संवाददाता यादवेंद्र शर्मा मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, लगातार पुलिस के द्वारा लोगों को यहां पर जागरूक करने की पहल की जा रही है, इसी के तहत एक सबसे बड़ा फ्लैग मार्च, क्या अपडेट है इसके बारे में? देखिए बिल्कुल जैती, ये जो फ्लैग मार्च था ये पूरा शुरू वहां चांदपुर पुलिस लाइन से, और करीब 1000 से ज्यादा जो पुलिस कर्मी हैं वो इस फ्लैग मार्च के अंदर मौजूद है। खास बात यह है कि खुद कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर है अजयपाल लामा लॉ एंड ऑर्डर, वो इस पूरे फ्लैग मार्च को लीड कर रहे हैं। अच्छी बात ये भी है कि कोरोना को लेकर के जिस तरह की पुलिस की दोहरी जो भूमिका यहाँ पर देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं उसका यहाँ पर ये निर्वहन करते हुए तमाम जो पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। और इसी के चलते यहाँ पर राजस्थान के अंदर पहली बार ऐसा देखने को मिला है इतनी बड़ी संख्या में, इतना बड़ा जो फ्लैग मार्च है वो पहली बार यहाँ पर निकाला जा रहा है। और ये जो फ्लैग मार्च चांदपुर से शुरू होकर के छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, इसके अलावा लालकोटी थाना इलाका, गलता गेट थाना इलाका, तमाम उन इलाकों में से गुजर रहा है। और अंतिम जब समय इसका आएगा तो ये कमिश्नरेट में होगा, जब यहाँ पर खुद जो कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव है वो अपने जो जवान है, पुलिसकर्मी है जो इस फ्लैग मार्च के अंदर मौजूद थे, उनको संबोधित करेंगे। और एक हौसला अफजाई यहाँ पर की जाएगी इन तमाम पुलिसकर्मी, क्योंकि वो लगातार एक महीने से कोरोना ग्रस्त जो इलाके हैं, जो कर्फ्यू क्षेत्र है, जो 30 इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां पर 24 घंटे ड्यूटी देते हुए अपने कर्तव्यों का यहाँ पर निर्वहन कर रहे हैं। तो ऐसे में ये फ्लैग मार्च निकाला जाना अपने आप में एक मैसेज देना है, लोगों को जागरूक करना है। और एक सबसे बड़ा जो मैसेज इस समय सबसे ज्यादा जो लोगों को जरूरी है वो है घरों के अंदर रहना। तो ये फ्लैग मार्च है जो लोगों को एक मैसेज दिया गया है इसके जरिए कि आप घरों के अंदर रहिए, हम आपकी सुरक्षा के लिए सड़कों पर मौजूद हैं, आपके यहाँ पर ध्यान रखने के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। बस आपको अगर इस कोरोना के संकट से लड़ना है तो आप अपने घरों के अंदर रहिए। तो कुल मिलाकर के जो आज इस तरीके से जो फ्लैग मार्च निकाला गया है जयपुर के अंदर, यह वाकई एक काबिले तारीफ है। लाल, इस जो फ्लैग मार्च है इसके अंदर जो निर्भय स्क्वाड की जो टीम है, इसके अलावा QRT ERT की टीम है, RAC के जवान हैं, साथ में अग्नि वर्षा और जो वज्रवाहिनी जो से जुड़ी जो तमाम जो टीम है, वो सारे पुलिसकर्मी, सारे जवान वो इस फ्लैग मार्च के अंदर मौजूद है। और ये परिचय दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, हमारा कदम रुकने वाला नहीं है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं आप लोगों की सुरक्षा के लिए और तत्पर भी रहेंगे बिल्कुल। और ये जरूरी भी है, जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, तमाम जो सरकार है लगातार मोटिवेट भी करती रही है, खुद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसी एक महामारी जो वैश्विक महामारी ये बन चुकी है पूरी जो कोरोना, उसमें कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य कर्मियों से जुड़ी जो पुलिस कर्मियों की जो भूमिका रही है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो हौसला अफजाई किया जाना था वो कहीं ना कहीं आज इस फ्लैग मार्च में निकलता हुआ नजर आ रहा है, दिखता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद यादवेंद्र।